उधर राजस्थान एग्रीकल्चर स्टूडेंट एसोसिएशन की ओर से राजधानी जयपुर में कृषि और रोजगार विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया गया है। कृषि अनुसंधान केंद्र में आयोजित इस कार्यक्रम में प्रदेश भर से कृषि विद्यार्थी सहित कृषि विशेषज्ञ शामिल हुए। नोखा विधायक बिहारी लाल बिश्नोई, ओबीसी वित्त एवं विकास कॉरपोरेशन अध्यक्ष पवन गोदारा और राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ अध्यक्ष उपेन यादव भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यशाला में कृषि विद्यार्थियों के सामने रोजगार के संकट पर प्रमुख रूप से चर्चा की गई। स्टूडेंट्स ने कहा कि सरकार ने 4000 से ज्यादा पदों पर भर्ती निकाली है, लेकिन उन्नत किस्म की खेती को बढ़ावा देने के लिए हर पंचायत स्तर पर सरकारी कर्मचारियों की भर्ती की जरूरत है और इसीलिए पदों की संख्या बढ़ाई जाए। कार्यशाला में आए मेहमानों ने किसानों के सामने आ रही चुनौती और फसल को उन्नत बनाने पर भी फोकस किया है, साथ ही कृषि विद्यार्थियों के लिए रोजगार बढ़ाने पर भी विचार रखे गए। आज एग्रीकल्चर के जितने भी कर्मचारी उनका प्रमोशन भी अच्छा किया, हर काम सिस्टमेटिकली किया, लेकिन बेरोजगारों के लिए भी बहुत अच्छा काम किया और पहली बार लगभग 4300 पदों पर नियुक्तियां भी दी है। लेकिन अभी भी बहुत सी कमियां हैं कि राजस्थान के लगभग हर ग्राम पंचायत पर कृषि परिषद का पद सर्जित नहीं। आज भी राजस्थान के 4000 ग्राम पंचायत से वहां पर पद सर्जित नहीं, तो बेरोजगार युवाओं की मांग है कि हर ग्राम पंचायत पर कृषि परिषद का पद सर्जित हो और जो पद रिक्त है उन पर जल्द से जल्द भर्तियों की घोषणा की जाए। मुख्यमंत्री जी ने घोषणा भी की कि आने वाला बजट होगा वो युवाओं पर केंद्रित होगा, तो निश्चित तौर पर जब युवाओं पर बजट केंद्रित होगा तो युवाओं की मांगों पर विचार तो शुरू हो चुका है। भर्तियों की मांग भी मानी जाएगी। आने वाले समय में जो भी किसान प्रतिनिधि हैं, लगभग विधायक किसान बैकग्राउंड के हैं, सब मिलजुल कर किसानों के लिए बात करेंगे। राजस्थान की सरकार भी युवाओं के लिए, किसानों के लिए हर समय तैयार है। देखो, कृषि बेरोजगार युवा संवाद के माध्यम से सरकार तक बात भी पहुंचाई है। पक्ष विपक्ष सभी राजनेता इसमें आए हैं। बिहार लाल जी आए हैं, पवन गोदारा जी आए हैं। बिहार लाल जी ने कहा कि विधानसभा में वो मजबूती युवाओं की मांग उठाएंगे और गोदारा जी ने कहा कि वो मंत्री जी से मिलेंगे हमारे प्रतिनिधिमंडल के साथ जाकर, चाहे वो कृषि परीक्षक नई भर्ती निकालने की मांग हो, चाहे वो पशु चिकित्सक भर्ती की मांग हो, चाहे पशुधन सहायक भर्ती की मांग हो, चाहे सभी विषयों को कृषि विषय को शामिल करने की मांग हो, जो तमाम समस्या है उनके लिए वो प्रतिबद्ध है। जो होने वाली चीजें जो लीगल है उनके लिए वो प्रतिनिधि के साथ जाकर समस्या को हल करेंगे।